It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ MSI G563 गेमिंग लैपटॉप का, जो कि 44,000 रुपीस का मुझे पड़ा था। मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि क्या इस लैपटॉप को हम गेमिंग लैपटॉप कह सकते हैं, क्या इस लैपटॉप को हम वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और क्या बेहतर होता है इसमें, तो हम इस लैपटॉप को और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। इस वीडियो में अडैप्टर मिल रहा है, इस बॉक्स में अडैप्टर है, इसके अंदर लैपटॉप है कवर के साथ, MSI का कुछ इस तरीके से ये लैपटॉप दिखता है, जिसका प्रोसेसर है इंटेल कोर i5, वो 4.10 GHz का स्पीड है, वेट इसका 1.86 kg है। और इस वीडियो को मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस लैपटॉप को मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि आप यही लैपटॉप को बाय करें, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का लैपटॉप हम खरीदें गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन पर डिफरेंट लैपटॉप का लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो एडिटिंग के लिए या गेमिंग लैपटॉप्स के लिए बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, मैं कोई फेक रिव्यू नहीं दूंगा, मैं मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट बताऊंगा। 3.2 टाइप का USB 3 पोर्ट है इसके अंदर, इसके पीछे HDMI पोर्ट है 1, और इसके लेफ्ट साइड में C टाइप पोर्ट भी है। तो इस लैपटॉप का मैं अगर बोलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस गेमिंग का बहुत ही बकवास रहा। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा जब कॉन्फ़िगरेशन आएगा पार्ट, तो क्या बेहतर होता है इसमें, तो गेमिंग अच्छा होता और हमारा वीडियो एडिटिंग भी अच्छा हो जाता। तो बेसिकली इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक तो है, बट डेडिकेटेड ग्राफिक के साथ साथ रैम भी मैटर करता है। इसके साथ आपको विंडोज़ 10 होम 2 ईयर वारंटी के साथ आ जाता है। विंडोज़ 10 होम तो लाइफ टाइम होगा, बट 2 ईयर वारंटी मतलब लैपटॉप की वारंटी होती है वो। और तो मेरा एक्सपीरियंस इस लैपटॉप के साथ बहुत ही बकवास था। और क्यों था, जब कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इसमें क्या बेहतर होता, तो ये लैपटॉप बेहतर होता मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके अंदर डिस्प्ले कोई इशू नहीं है, 15.6 IPS लेवल 60 GHz का डिस्प्ले है, उसमें कोई मुझे इतना इशू नहीं है। मुझे इशू है इसके हार्ड डिस्क से और इसके रैम से। 8 GB रैम इसमें था, बट 8 GB रैम इज़ नॉट इनफ फॉर गेमिंग एंड फॉर वीडियो एडिटिंग। एटलीस्ट 16 GB होना ही चाहिए, ठीक है। वन थिंग जो इसके अंदर मुझे फ्लॉस था, आपको ये वीडियो देखने के बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि गेमिंग लैपटॉप कैसा होना चाहिए और वीडियो एडिटिंग लैपटॉप कैसा होना चाहिए। तो 1 TB का इसके अंदर HDD था, तो मैं आपको बोलूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसके अंदर HDD आप यूज़ करें, कोई भी SSD वाला लैपटॉप ही यूज़ करें। इसके अंदर 4 GB GDDR5 का ग्राफिक मेमोरी था, बट डेडिकेटेड ग्राफिक आप वीडियो एडिटिंग के लिए जाएंगे तो कम से कम 8 GB होना चाहिए। 4 GB के लिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करेंगे डैट्स इनफ, बट गेमिंग के लिए जाएंगे हायर एंड के लिए तो आपको 8 GB तो डेडिकेटेड ग्राफिक होना ही चाहिए। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको। आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, मैं आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.